मेरा फोन ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ इसको। देखिए मैं आपको फोन बताता हूँ, फोन का नेम है, सो देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप लोगों को मैरी क्रिसमस, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या बताना है? एक चीज बतानी है, चीज जो है आज कोई, मैं आपको बोलना चाहूंगा पहले, आज कोई बाहर का शूट नहीं है, ट्रैवलिंग ब्लॉग वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं आज मैं आप लोगों से एक मोमेंट शेयर करूंगा अपने साथ। वो मोमेंट क्या है, वो पल क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अब उसको शुरुआत करते हैं। और मेरी सिस्टर भी आएंगी मेरे साथ, सिस्टर को भी मिलवाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए एक सिस्टर मेरी, ये जैसे क्या देख सकते हैं, कैसे हो आप लोग? आप ऑलरेडी नो हर, और इसका नाम आप जानते हो। आप खुद से बताना चाहोगे तो बता दो अपना नाम। मेरा नाम है नीलम। और मेरी दूसरी सिस्टर भी, उससे मिलवाता हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हैं ये दूसरी सिस्टर मेरी। कैसे हो आप सब? मैरी क्रिसमस। सो गाइस, आप लोगों को मेरी क्रिसमस भी विश कर दिया सिस्टर ने, और आप भी विश करने दो। समर का महीना 25 तारीख भी है, तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, और अपना ध्यान रखो, घर में रहो फैमिली वालों के साथ। सो गाइस, अब मूवमेंट क्या है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखो बात ऐसी है गाइस कि मैं मेरे घर में बहुत दिनों से मेरी जो मम्मी जी का फोन है वो हो गया था खराब। खराब नहीं हो गया था मतलब चल रहा था वर्किंग पोजिशन में, अभी भी है वो, बट थोड़ा ना वो दिक्कत कर रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, कभी हैंग हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। इसके चक्कर से बहुत दिनों से बोलते बोलते मेरी मम्मी को मतलब कि नया फोन ले लो, तो मम्मी बोली ले लेंगे बोल रही थी। जब तक चल रहा है काम, तो उन्होंने टालते गई बात को, घुमाते गई कि ले लेंगे। फिर मैंने जिद करके, बहुत मैंने और मेरी सिस्टर वगैरह ने जिद किया, पापा जी से बोला, मम्मी जी ने बोला, फिर बात की अपने घर में, तो सिस्टर ने भी बात की। तो सिस्टर के लिए ये है, ये इन दोनों सिस्टर के लिए है ये चीज, फोन जो लिया है घर में रहेगा, फोन मम्मी यूज करेंगी और ये सिस्टर्स भी यूज करती हैं, दोनों चलाती है फोन को। तो सिस्टर ने बोला फोन लेने, तो फोन लिया है मैंने, लेकर के आया हूँ। पापा जी ने पेमेंट दी, तो मैं पेमेंट दे करके फोन लेकर के आया, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कौन सा फोन है। तो सिस्टर दिखाएगी हमारे, देखिए रखा है टेबल पे, देख सकते हैं आप, ये फोन है, और ये फोन दिखाता हूँ आप लोगों को, निकालता हूँ मैं। देखिए इसकी ये पैकिंग है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये फोन को हमने पहले ही इसको अनबॉक्स कर लिया है। क्यों अनबॉक्स कर लिया? जिस दिन लाए थे उस दिन ही अनबॉक्स कर लिया था, उस दिन का ये अनबॉक्स और रखा। आप ये मत सोचना कहें कि मतलब पुराना फोन ऐसा कुछ करके दिखा रहे हैं, मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये दुकान का नाम दिख रहा है आप लोगों को, उल्टा दिख रहा होगा, बिकॉज आई एम शूटिंग विद द फ्रंट कैमरा, इसलिए उल्टा दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ इसलिए। और अब इसको ओपन करते हैं। सिस्टर आप मेरी पकड़ोगे फोन को? या ऑफ कोर्स। सिस्टर ने पकड़ लिया, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देखिए ये रहा फोन, ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ इसको। देखिए मैं आपको फोन बताता हूँ, फोन का नेम है, देखिए Redmi 10 Prime लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, बिकॉज फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दी ये चीज। दोबारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि मतलब उल्टा क्यों दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, फिर से मैंने बता दिया। तो अब इसको अनबॉक्स कर चुके हैं, वो भी पहले बता दिया। इसको अब मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर में फोन है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये रहा फोन, ये इसका कवर है, इसके जो लगाने के लिए देते हैं ये रखा हुआ है, और इसके अंदर में ये रहा फोन, देख सकते हैं आप। देखिए आप लोग हमारे फैमिली मेंबर्स हो, तो हमारा फर्ज बनता है, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, हमें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और कोविड दोबारा से स्प्रेड होने लग गया है, तो गाइस मैं आपको बोलना चाहूंगा, जहां भी जाए मास्क वगैरह पहने, बाहर आउटसाइड कहीं भी जाए तो मास्क वगैरह वेयर करें, बिकॉज हम सभी हैं जो कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल में हो सकता है सब चीज। आपने देखा अभी कितने टाइम पहले कितनी दिक्कत हो गई थी पूरे इंडिया में, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। हम भारतवासी है, तो हमारे फर्ज बनता है कि हम प्रोटोकॉल का पालन करें, फॉलो करें रूल वगैरह, तो वी शुड फॉलो द रूल। तो अब इसको ओपन करते, देखिए ये रहा फोन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ही बेस्ट क्वालिटी में है, और इसमें थोड़ा सा मतलब हाथ से साफ कर रहा हूँ, मट्टी लगी होगी इसको, मैंने आपको बताया क्योंकि यूज कर रहे थे घर में। देखिए लाइट जलाता हूँ मैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए स्विच ऑन करता हूँ, ये देखिए चालू मोड में अभी ये चालू हो रखा है। और इसका बैक कितना ही प्यारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बैक, और ये सिस्टर लेकर के आए थे, जब मम्मी को दिखाया था, मम्मी जी ने ओपन किया था अपने हाथ से, इसको अनबॉक्स किया था। अनबॉक्स तो मैंने वहीं कर लिया था, फिर भी क्योंकि अनबॉक्स वहां करना इससे जरूरी है, क्योंकि हम लेकर के आए, इसमें कोई मतलब डैमेज वगैरह निकल जाए, इस चक्कर से हमें अनबॉक्स करना पड़ा था वहां पे, इसलिए मैंने अनबॉक्स कर लिया था। तो ये सिस्टर लेके आए, सिस्टर और ये दोनों, ये भी सिस्टर दोनों यूज करती है इसको। सिस्टर से पूछते हैं, सिस्टर को कैसा लगा ये फोन लिया था इसने, कैसा लगा था ये? बहुत अच्छा लगा मुझे, आप वो क्लिप देख लेना, भाई लगा देंगे, जब अनबॉक्स किया था मैंने, इतनी खुशी हो रही थी मुझे, मतलब खुशी के आंसू, इतनी खुशी हो रही थी। दोनों बहनें चलाते हैं फोन, दोनों का ही है, और मतलब उस टाइम पे ऐसे क्या बताऊं मैं,
रोना सा आ गया था कि देखते ही शॉर्ट सा लग गया था कि यार फोन मिल गया, इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा बहुत रो रही थी मैं। वो क्लिप देख लेना आप लोग। सो गाइस मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाऊंगा अभी आपको, उससे पहले सिस्टर से ही पूछ लेते, देखिए ये सिस्टर कैसे लगा आपको भैया, झक्कास एक नंबर लगा था, क्योंकि भाई भी मेहनत करते तो आप लोगों ने सपोर्ट करो। अब आप लोगों को क्या बताओ, इतनी ज्यादा खुशी होती है उस टाइम पे, मतलब हम लोग कुछ करे ना करे लेकिन भाई और मम्मी पापा हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, शुरू से ही सपोर्ट करते हुए आए हैं और अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग भी भाई को सपोर्ट करिए, भैया को प्यार दीजिए। आप लोग तो जानते हैं भाई आप लोगों से कुछ नहीं, बस आप लोगों से प्यार मांगते, क्योंकि आप भी हमारे फैमिली मेंबर्स हो, तो इसलिए आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था कि हमने फोन वगैरह लिया है। तो बस यही था कि बहुत खुशी हुई, क्योंकि भैया हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, हर एक चीज में सपोर्ट देते हैं, तो खुशी तो होगी ना। तो बस आप लोग भी भैया को सपोर्ट करिए, ये फोन है भैया के लिए भी, हम कुछ ऐसा कर पाए, आप लोग भैया को सपोर्ट करिए प्लीज, आप लोगों की प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस ये हमारे मूवमेंट था जो मैंने आपको भी बताया, मेरी सिस्टर ने और मैंने मिलकर के, हम सब ने मिलकर आप लोगों से शेयर किया, बिकॉज आप लोग हमारे फैमिली मेंबर्स हो, हमारा फर्ज बनता आप लोगों को हर एक बात शेयर करना। तो मैं आपसे ये बातें शेयर की, मैंने ये जो नई थिंग लेकर आई भी मैंने आपको बताया, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ही अच्छा दिख रहा है फोन। और गाइस मैं आप लोगों का वो क्लिप दिखा देता हूँ, वो क्लिप देख लो आप, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस आपने वो क्लिप देख ली होगी जैसे कि आपने देखा अभी। और गाइस मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, वो मेरी सिस्टर रो नहीं रही थी, खुशी के आंसू थे वो उसको, क्योंकि जब फोन लेकर के आया इसको मैं बता के नहीं गया था, मतलब घर में बता के नहीं गया था, मम्मी को पता था कि खाली मैं फोन लेने जा रहा हूँ, और पापा को और इन लोगों को नहीं पता था, सिस्टर वगैरह को। सो वो लेकर के आया तो मैंने इसको दिखाया, तो ये खुशी के आंसू, उसके फोन को ओपन करा जैसा आपने देखा, सो रोने लग गई थी, इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहे थे लेके आने के लिए, भैया ले आओ ले आओ, और लेकर आया तो एक्साइटमेंट में होता ना, जैसे कि आप लोग भी जानते, कुछ भी आप करते घर में जैसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, या अनएक्सपेक्टेड हो गया इसके साथ, जैसे इसको इसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये चीज हो गई इसने, इसलिए इसके खुशी के आंसू और रोने लग गई। आप ये मत सोचना कि मैंने रुला दिया या मेरे घर में किसी ने रुला दिया, बिकॉज वो ऐसा हो जाता है जब खुशी के आंसू गिरने लग जाते, कोई चीजें हो जाती है ऐसी तो अनएक्सपेक्टेड, तो देख के रोना सा हो जाता है, अंदर से इमोशनल हो गया था, मम्मी जी भी इमोशनल हो गई थी मेरी, जैसा भी आपने देखा। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था, जैसे कि ये फोन जो लेकर के आए, इसका फोन का नाम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, शायद मैंने बता दिया हो, मुझे याद नहीं है, Redmi 10 Prime फोन का नेम। और गाइस ये फोन आप गूगल पे सर्च कर लेना कितने का अमाउंट में है, मैं आप लोगों को अभी मैंने अमाउंट बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट बताऊंगा लोग सोचेंगे कि शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को अपना भाई समझ के और अपने सिस्टर समझ के जो भी मेरी वीडियोस को देखते हो, मैं आप लोगों को दिखावा नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेरी सच्चाई है मैं आप लोगों को सच्चाई आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रेट नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को किसी को रेट जानना है तो इसका नाम सर्च कर लेना गूगल पे, Redmi 10 Prime सर्च कर लेना, उसका रेट आ जाएगा ऑनलाइन, आपको दिख जाएगा कितने का पड़ा है, और उतने का ही पड़ा है, जितने का रेट पड़ा है उतने का ही पड़ा है। मैं ब्लॉग करते हैं पेंट एंड आई नीड योर सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। जैसा कि आप जानते हैं पैसा तो हर कोई कमाता है इस दुनिया में, हर इंसान कमाता है, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज अजय कुमार ब्लॉग्स। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मिल जाएगा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइज हिंदी में भी मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, उससे क्या है आप लोगों को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप हमारी वीडियो वॉच करते रहेंगे, आपको मैं एंटरटेन करता रहूंगा, मेरा काम एंटरटेन करना, आप लोगों को एंटरटेन कराना। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर गाइज।